खबर आ रही है बिहार के बोधगया से, जहां बोधगया प्रखंड के नावा पंचायत अग्नि में किसी भी तरह से योजनाओं का काम नहीं हो रहा है। नाली का दूषित पानी जमीन पर बिखर रहा है, जिससे कई दलित और महादलित परिवार परेशान हैं। महादलित समाज के लोगों ने बताया कि उनके घर के सामने करीब 10 सालों से इसी तरह नाली का दूषित पानी बहता रहता है। पानी के बहाव के लिए नाली का आज तक निर्माण नहीं हुआ, इसलिए पानी जमीन पर बहता है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और डेंगू और मलेरिया जैसी कई जानलेवा बीमारियों से वो परेशान रहते हैं। आए दिन वो बीमार रहते हैं और परेशान ही रहते हैं, लेकिन आज तक ना मुखिया के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा रहा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि और ना प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, और इस वजह से वो लोग गंदी नाली में जीने को बेबस है। नहीं बोलता कि हमको जमीन है, हम नहीं जा देंगे नाली, तो कैसे नाली बहावेगा। मुखिया जी पर क्या बोले? मुखिया जी कोची, मुखिया जी कुछ ना कर रहा। मुखिया जी कुछ नहीं कर रहा है। कोची का ओनली ओनली मिला घर बनाने के लिए मिले है, बहुत इंदिरा आवास वाला पहले मिले है, अभी नहीं मिला है। नहीं। क्या नाम आपका? कमला देवी। कहाँ रहते हैं? शहर रहते, नली है, जहाँ रहते हैं वहाँ कहाँ रहते? मुखिया जी के नाम? मुखिया जी के नाम राजेश मान जी। पंचायत? पंचायत नाम। आपको कौन ले मिला? अभी हम लोग तो मिलता सर तो फूस रहता। तो मुखिया जी को नहीं बोले आप? मुखिया जी के बोले, मुखिया जी आप कर देगा नहीं, अब यहाँ पर आइए, मुखिया जी तो अपना करेगा करेगा। क्या बोलते हैं? अभी फार्म भरा रहा था, मिल रहा था ना लोग के। हाँ। तब आप लोग नहीं मिला? अभी हम लोग नहीं मिला, अभी भराई ले है तो कहाँ? अब भराया है, ऊपर जाएगा, ऊपर से आएगा। क्या नाम आपका? मीता देवी। कहाँ रहते हैं? अग्नि रहते हैं। मुखिया जी के नाम क्या है? मुखिया जी के नाम रजेश। पंचायत कौन सा है? नाम